इन्होंने जो नाम रखा है पेडियाट्रिक, ये शब्द ऐसा है कि गांव वाले बोल ही नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ इस तरह का शब्द है ही नहीं। अब वो बहुत से गांव वाले यही समझेंगे उनके यहाँ इस तरह के पट्टू शब्द है, पटुआ है, पैरट है, पैरट तो खैर इंग्लिश का है, तो पेडियाट्रिक का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। आपको बताना है हिंदुस्तान की जनता गाँव गाँव में इतनी जल्दी नाम, इनको सालों लग जाएंगे। 2024 में चुनाव है लोकसभा, उसके पहले तक गांव के लोगों को नाम ऐसे रखे जाते हैं हिंदुस्तान में, स्वराज, हिंद पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों ने कभी नाम नहीं बदला, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने नाम क्या रखा, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट माले, कम्युनिस्ट भारती, मतलब इस तरह रखा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 2024 में तीन गठबंधन होंगे, एक होगा भाजपा वाला गठबंधन, दूसरा कांग्रेस वाला यूपीए होगा, और तीसरा जो गठबंधन है वो ये होगा पीडीए, पेडियाट्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर जो बैठक हुई थी, उसके बाद अब गठबंधन का नाम भी सामने आ गया है। जी हाँ, यूपीए नहीं, महागठबंधन नहीं, बल्कि इस गठबंधन का नाम पीडीए होगा, यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस इस गठबंधन का नाम होगा। और इसी पर बातचीत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से ये पीडीए गठबंधन का नाम सामने आया है, और यूपीए नहीं, महागठबंधन नहीं, पीडीए पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी देशभक्त लोकतांत्रिक अलायंस जो इसका नाम रखा गया है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? देखिए, ऐसा है, इन्होंने जो नाम रखा है पेडियाट्रिक, ये शब्द ऐसा है कि गांव वाले बोल ही नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ इस तरह का शब्द है ही नहीं। अब वो बहुत से गाँव वाले यही समझेंगे उनके यहाँ इस तरह के पट्टू शब्द है, पटुआ है, पैरट है, पैरट तो खैर इंग्लिश का है, तो पेडियाट्रिक का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। और आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसलिए जिंदा है कि कांग्रेस का नाम सैकड़ों साल से उन्होंने अपना वो नहीं बदला। उस अगर ज़रा सा बदलने का बात होता तिरंगे के लिए, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ जाता, सड़कों पर उतर आता। इसलिए कांग्रेस की गुडविल रही, कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष, मेन फाइट में हमेशा विपक्षी दल के रूप में रहा। बीजेपी इसलिए है कि बीजेपी ने अपना नाम नहीं बदला। पहले उसका नाम जनसंघ था, जनसंघ से जाता और बना दिया जनता पार्टी, तो भारतीय जनसंघ था, तो अब हो गया भारतीय जनता पार्टी। आपको बताना है कि जिस समय जनसंघ का 75 में विलय हो गया, 77 में विलय हो गया, जब 80 में उनका जब ये हुआ, वो अलग हुए, तो काफ़ी सालों तक, काफ़ी दिनों तक सोच नहीं पाए, तो लोगों ने समझाया, तब इन्होंने जनता पार्टी नाम रखा भारतीय। जब ये चुनाव लड़े तो सिर्फ दो सीटें आईं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने कहा था, चूँकि पार्टी का नया नाम हुआ है, बहुत से लोग समझ ही नहीं पाए, उनका चुनाव निशान जो था वो दीपक था भाजपा का, और पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ, तो लोग बैलेट पेपर में देखते रहते थे। जब बीजेपी वालों ने कहा आपने वोट नहीं दिया, तो उन्होंने, वो लोग उल्टा गुस्सा होते, तुम खड़े नहीं हुए, तुम्हारा नाम ही नहीं था पार्टी में, भाई अब तीवार पार्टी में नाम जरूर रखना, उसमें कहीं बैलेट पेपर। आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता गांव गाँव में इतनी जल्दी नाम, इनको सालों लग जाएंगे। 2024 में चुनाव है लोकसभा, उसके पहले तक गांव के लोगों को नाम ऐसे रखे जाते हैं हिंदुस्तान में, स्वराज, हिंद पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्टों ने कभी नाम नहीं बदला, वो टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने नाम क्या रखा, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट माले, कम्युनिस्ट भारती, मतलब इस तरह रखा। अब नेताजी समझदार थे, नेताजी ने रखा समाजवादी। आज अगर नेताजी होते तो डेमोक्रेटिक अलायंस जो पार्टी के लिए इन्होंने कहा है कि वो जो इन्होंने बोला। लेकिन यहाँ सवाल अजय जी ये है कि पीडीए जो नाम रखने का फैसला लिया गया है, इन सब के बीच यूपीए कहाँ है? पहले बात ये हो रही थी कि इस पूरे गठबंधन का नाम जो है वो यूपीए ही होगा, यानी यूपीए एक छतरी होगी जिसके नीचे सब काम करेंगे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अगर पीडीए हो चुका है, तो क्या यूपीए खत्म हो चुका है? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 2024 में तीन गठबंधन होंगे, एक होगा भाजपा वाला गठबंधन, दूसरा कांग्रेस वाला यूपीए होगा, और तीसरा जो गठबंधन है वो ये होगा पीडीए, पेडियाट्रिक डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन आपने कहा कि तीन गठबंधन होंगे, सवाल मेरा ये है कि इन तीसरे गठबंधन में कौन सी पार्टियां रह सकती हैं आखिरी टाइम तक? देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में 1947 के बाद से लेके
अभी तक तीन अलायंस रहे हैं। एक अलायंस कांग्रेस का रहता है, वो यूपीए रहेगा। दूसरा अलायंस जो होता है वो हमेशा जनसंघ या भाजपा का रहा है। तीसरा अलायंस तीसरे मोर्चे का रहा, संयुक्त मोर्चे का। आप ये देख लीजिए कि सभी ये तीसरा अलायंस हमेशा तीसरे मोर्चे का, तीसरे मोर्चे की यहाँ कई बार सरकार भी बनी है। जनता दल की सरकार तीसरे मोर्चे की थी। तीसरे मोर्चे से वो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। तीसरे लेकिन हम मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं सर। मौजूदा वक्त में ये तमाम पार्टियां जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि तीन गठबंधन होंगे, तो ऐसे में तो विपक्ष पूरी तरीके से फिर बिखर जाएगा, तो कैसे मोदी को हरा पाएंगे? विपक्ष बिखर गया है और बुरी तरीके से बिखर गया। आपने देखा नहीं 23 तारीख को किस तरह से नीतीश ने इशारा करके उनकी ऐसे ऐसे करके उनकी खिंचाई करा दी, उनको शादी बाहर निकाल दिया। ममता बनर्जी को नेता नहीं बना पाए और प्रधानमंत्री न खुद संयोजक बन पाए। विपक्ष निश्चित तौर पे बिखर गया और डेमोक्रेटिक अलायंस आपको बता रहे हैं इनको सालों लग जाएगा बाल पेंटिंग पोस्टर चिपकाने, तब लोगों को ये दिमाग में आएगा। ये क्या इंग्लिश मानसिकता के लोग, अंग्रेजी मानसिकता के लोग इस तरह के नाम देखते हैं, कभी सफल नहीं होते। जब समय जब विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो लोगों ने बहुत अंग्रेजी नाम सुनाए थे, तो बीपी सिंह ने कहा था हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, अगर नाम रखना कोई साधारण रखिए, जन मोर्चा रखिए, तो उन्होंने जन मोर्चा रखाया। केजरीवाल जब दिल्ली में था तब रैली के बाद अगले ने कहा कि आप पार्टी रखाइए, आप पार्टी। तो आपको आप सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि पीडीए जो चुना गया है, पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो नाम है इस पर कितने दिन दल की सहमति रही होगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमें विपक्षी दल मत बोलिए, हम भी देशभक्त हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दबाकर ये तमाम फारूक अब्दुल्ला हों, फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हों, इन तमाम लोगों ने इस नाम को लेकर सजेस्ट किया होगा? देखिए माफ कीजिएगा, आज हम एक सच चीज़ बोल दे रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में राज करना है, सन 2000 से पहले यह था, तो गांधीवाद, गांधी जी का और समाजवाद दो नाम ले लो, दोनों नाम के नारों से आप सब जवाब दे करके। अब 2000 के बाद स्थिति बदल गई है। अब आपको बताना है, अब देश में देशभक्ति की भावना चल रही है, हकीकत है देशभक्ति की। बड़े बड़े लोगों को देशभक्ति में बोलना पड़ रहा है। आपने देखा कि अभी मोदी वहाँ गए मिस्र में, तो एक लेडीज जेना ने गाया देशभक्ति का गाना गाया, और मतलब अमेरिका अभी मिस्र में अभी मोदी जब आज गए हैं तो अच्छा। वहाँ देशभक्ति का गाया है, हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो आपको बताना है कि इस समय देशभक्ति का इन पार्टियों के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत है, इनका देशभक्ति से थोड़ा सा वो कई जगह टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में बदनाम हो चुके हैं। ये इनका जो मेन आदमी है, ये भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रेस रिलीज में घोषित किया, ये कम्युनिस्टों की मानसिकता इस तरह का अंग्रेजी शब्द देना। मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं पार्टी का जो मेन नेता है उसकी लड़की वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगा रही थी JNU में। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि व्यक्तिगत उसके लिए नहीं कहना, वो नारे लगा रही, ये पूरा गैंग बदनाम हो गया है कि कहीं अफजल गुरु के लिए कोर्ट को छुड़वाता है, इतना बड़ा बम कांड के अपराधी को छुड़वाता, तो ये बदनाम हो गए कि देशभक्त नहीं। राहुल गांधी पे भी ठप्पा लगने लगा कि आप क्या है राष्ट्रभक्त या देशभक्त का, वो BJP की ओर ज़्यादा चला गया, उनको वोट इसलिए ज़्यादा मिल जाते देशभक्ति, उन्हें लोग राष्ट्रवादी कहने लगे, राष्ट्रभक्त। इस तो समय क्या इसी चीज़ को लेकर जो नाम है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन जो नाम रखा गया है, तो क्या यही वजह है कि इसमें देशभक्ति जोड़ने की कोशिश की गई? देखिए इसमें वामपंथियों का दिमाग लगा, इन्होंने देखा जब 2000 से पहले गांधी जी का नाम ले लो या समाजवाद का तो राज कर सकते हो, अब देशभक्ति का मुद्दा चल रहा तो ऐसा करें कि ये माइनस मुद्दा हमारे माइनस हो रहा, उनको सब राष्ट्रभक्त कहने लगे, उनको राष्ट्रभक्त करके मैदान राष्ट्रभक्त बोलना है, राष्ट्रभक्ति है मुल्क परस्ती। बंगाल में ममता बनर्जी अब चुनाव हारने जा रही, वहाँ जो लोकसभा का चुनाव होगा वहाँ सेंट्रल बनाम स्टेट चल रहा, वहाँ चल रही देशभक्ति की भावना। दूसरी बात, ममता बनर्जी पे एक आरोप लग रहा है कि बांग्लादेशियों को संरक्षण दे रही, रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही, तमाम उनको संरक्षण दे रहे विदेशियों को, कई उसमें पाकिस्तान समर्थक भी उनको बोला गया, बांग्लादेश समर्थक बोला गया, तो उनके ऊपर राष्ट्रवादी जो था, राष्ट्रवाद की जगह उन्हें राष्ट्र विरोधी या उतना देशभक्त नहीं माना जा रहा, इवन स्वयं D. Raja को नहीं माना जा रहा, राहुल को भी माना जा रहा कि देश के जाके बुराई करते हैं।
तो इन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया कि हम देशभक्ति तो कर नहीं सकते, देशभक्ति का उन लोगों को राष्ट्रवादी कहने लगे, तो हम इस पार्टी का नाम ही रख लें देशभक्त मोर्चा। दूसरी ममता बनर्जी का देशभक्ति का इधर इन्होंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, ये खुल करके बांग्लादेशी और उनका समर्थन कर रहे हैं। तमाम मामलों में आपको बता रहे हैं, जब भारत बांग्लादेश में पानी का समझौता हो रहा था तो इन्होंने अड़ंगा डाला, तमाम मामलों में ऐसा रहा कि तमाम उसमें कुछ नेताओं ने ये भी कहा, बड़े नेताओं ने, कि पाकिस्तान भाई गरीब है, उसको मदद करना चाहिए, पाकिस्तान में भूकंप आ गया, ये आ गया, बाढ़ आ गई, उनको मदद करना चाहिए, गेहूं पहुंचा देना चाहिए। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इनमें कहीं भी देशभक्ति नज़र नहीं आती है, लेकिन नाम के जरिए कोशिश है कि जनता को कहीं ना कहीं साधा जाए। लेकिन फिलहाल तो सवाल यही बड़ा है कि यूपीए जो इतने सालों से सत्ता में रहा है, जो नाम है एक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का, लेकिन आज वो यूपीए इतना क्या कमज़ोर पड़ गया है? क्या कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेक लिए हैं पूरी तरीके से? क्या लगता है आपको? घुटने टेक लिए, ये बदलेंगे तो इसका मतलब ये हार गए हैं, ये हथियार छोड़ आए, अब ये नए तरह से तैयारी करेंगे, इतना जो युद्ध में सजाया था सब बेकार हो जाएगा, बड़ी मुश्किल में गठबंधन बन पाया था। आपको बता रहे, ये इनका दिवालियापन का याद रखिएगा, बोतल वही, शराब वही है, बोतल बदल गई, शराब वही है, बोतल बदल गई। कभी कभी क्या होता है, सिक्योरिटी में जैसे गार्ड होते हैं तो उनकी जैसा ड्रेस बदल देते, थोड़ा जूते ऊँचे कर दिए, थोड़ा सा वो, तो थोड़ा सा नयापन, लुक ये चेंज करें, मगर लुक से इनका नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात है कि उनका ये कहना है अखिलेश जी का कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये कहीं कहीं जहाँ अगड़े लोग होंगे वहाँ उसको कहेंगे पिछड़ा दलित अगड़े, तो ये तमाम तरह के इस तरह के नाम रखेंगे। मगर कुल मिलाकर के हम आपको बता रहे हैं, इस पीडीए का अर्थ जो निकलता है, परेशान दुखित आत्मा, जैसे परमात्मा नहीं होता, एक तो परमात्मा होता, एक दुखित आत्मा होता, एक भटकती आत्मा होता, ये वास्तव में परेशान है सब बेचारे। इसमें 5-6 मुख्यमंत्री, 8 पूर्व मुख्यमंत्री गए थे, सब पूर्व हो जाएंगे, सब पूर्व सांसद हो जाएंगे, तो परेशान दुखित आत्मा। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको करने पे, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके लिए वाटर लू हो जाएगा। और ये हम आपको बता रहे हैं, कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी जल्दी कोई सेंट्रल में पार्टी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो इस पूरे मामले पर अजय जी ने अपनी राय हमारे साथ साझा की है कि पीडीए यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस भले ही इस गठबंधन का नाम रखने की जो लगातार खबरें हैं वो चल रही हैं कि इसका नाम पीडीए हो सकता है, लेकिन उनका ये मानना है कि अगर इस अलायंस को वो आगे भी बढ़ाते हैं तो लोकसभा चुनाव इतने करीब हैं कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, लगभग एक साल तो उन्हें इसे प्रचार प्रसार करने में ही लग जाएगा, तो जीत की कोई संभावना नहीं है। इस गठबंधन में भी आने वक्त में फूट देखने को मिलेगी इस नाम को लेकर, और यूपीए कहीं ना कहीं भिड़ती नजर आएगी, तो ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस पीडीए का कोई मतलब नहीं है, चूंकि ये देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि किस तरीके से ये कितने देशभक्त हैं। ये तमाम राय जो है अजय जी ने हमारे साथ साझा की है, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।